यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सत्तू लिया हुआ है। ये ड्राई रोस्टेड जो ये हमारा चना है, इसी चना को ड्राई रोस्ट करके, इसको ग्राइंड करके बनता है। ये रेडीमेड पैक मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो ये मैंने करीब करीब जो मेरा छोटा सा कप है उसका 2 कप मैंने लिया है। तो ये मैंने प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। ये एक छोटा सा ऑनियन है, छोटा सा प्याज है, इसको बारीक चॉप करके रखा है। ये एक छोटा सा टमाटर है जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा। एक हरी मिर्च को मैंने बहुत ज्यादा फाइनली चॉप करके रखा है। ये मैंने हरा धनिया रखा है, इसको भी मैंने फाइनली चॉप करके रखा है। और ये है काली मिर्च पाउडर, ये भी मैंने घर पे ही ग्राइंड करके बनाया है। ये काली मिर्च पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून के करीब, बहुत ही कम है। यहाँ पे आप देखिए मैंने अदरक लिया हुआ है। ये अदरक जो है ये, इसको मैंने बहुत ही छोटा, मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब वही 1/2 टीस्पून के करीब है, इसको मैंने ग्रेट करके रखा है। उसके बाद मैंने ये नमक रखा है। नमक एज पर टेस्ट आप लोग यूज कीजिए, मैं कम ही यूज करूंगी क्योंकि एज ए डायबिटिक पेशेंट के लिए तो नमक बहुत कम रहेगा। और यहाँ पे मैंने लेमन जूस रखा है। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सत्तू चाट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, इसमें मैं पहले ये सत्तू डाल देती हूँ। या क्वांटिटी अपने हिसाब से आप बना लीजिए, मैं ये 2% के लिए बना रही हूँ। मतलब 2% का नाश्ता बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें जाएगा प्याज, फिर इसमें जाएगा धनिया जो मैंने बारीक चॉप करके रखा है, अब जाएगा टमाटर और हरी मिर्च, अब जाएगा अदरक। अदरक जस्ट फॉर फ्लेवर, मैंने बहुत ही कम लिया है आपने देखा होगा, और थोड़ा सा नमक। अब ये सारी चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें जाएगा पानी। तो ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा एकदम रनी नहीं बनेगा। तो पानी देखिए, मैंने ये मेरा 150 ml का एक कप है, इसमें मैंने एक कप। अब देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, एक ही बार में सारे पानी नहीं डाल देना है। और जो ये 150 ml मेरा कप है ना, इसी कप में ही मैंने 2 कप जो है सत्तू लिया हुआ था। देखिए ये अभी, ये बिल्कुल अभी वो नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ, तो मुझे और पानी डालना पड़ेगा। अभी पहले मैंने 150 ml पानी डाला था और मैं 150 ml ले रही हूँ, पानी का भी आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। सत्तू में पानी चाहिए होता है क्योंकि पानी बहुत पीता है। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना। और इसमें एक चीज अच्छा है ना कि अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो तो काफी टाइम तक ना आपका जो है फीलिंग रहता है, आपको भूख नहीं लगती है, और यू विल फील एनर्जेटिक ऑल्सो। देखिए मतलब 150 ml वाला ये कप में पूरा मैंने 2 बार भर के लिया है, तो 300 ml पानी जो है हमारा यूटिलाइज हो गया है और इसी में ही हमारा बन चुका है। अब सिर्फ 2 चीजें मैं ऐड करूंगी, एक है काली मिर्च और लेमन जूस। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब कंसिस्टेंसी इस तरह से आएगा। मेरा यहाँ पे 200 ग्राम सत्तू था और मैंने 300 ml जो है पानी यूज किया है, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी आया है। ये इससे बिल्कुल बहुत ज्यादा रनी नहीं बनेगा, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें इसको एज ए ब्रेकफास्ट खाना है। अब मैं ना नमक थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि नमक मैंने थोड़ा सा कम रखा है। अब लोगों को थोड़ा सा तेज नमक चाहिए तो थोड़ा ज्यादा यूज कर सकते हैं। जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के, और आपको ब्रेकफास्ट करना तो जरूरी है ना, हमें स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, हमें तो बिल्कुल ही कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये यू कैन से दैट इज ए सुपर फूड फॉर ए डायबिटिक पेशेंट। तो इस तरह से बनाए तो टाइम भी कम लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, और आपके मतलब बहुत टाइम तक आपका जो है ना फीलिंग रहता है।
तो इस तरह से बना के खाइए, देखिए कैसे लगता है आप लोगों को। अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। गार्निश के लिए यहाँ पे मैंने सारा धनिया के पत्ते रखा हुआ है जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखी थी, और मैं थोड़ा सा बारीक चॉप किया टमाटर डाल दूंगी ऊपर से, और एक स्लेट किया हुआ मिर्ची। चलिए अब ये जो सत्तू चाट है ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।